मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द मोनिटाइज करने का तरीका क्या है। बहुत से लोग यार यूट्यूब चैनल बना लेते हो, चाहते हैं यार बहुत जल्दी मोनिटाइज हो जाए, और उनका चैनल मोनिटाइज होने में बहुत मसला होता है, सब्सक्राइबर उनके पूरे नहीं होते, उनके वॉच टाइम पूरे नहीं होते, या इस हवाले से बहुत से मसले मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है, और उनका जल्द से जल्द उनका चैनल ग्रो भी नहीं होता, और ना ही उनके व्यूज आते हैं वीडियोज़ में, उनकी क्वालिटी में ना जान होती है, हर चीज़ होती है, लेकिन उनके ना व्यूज़ आते और ना ही सब्सक्राइबर गेन होते, और ना ही उनके बहुत टाइम कम्प्लीट हो जाते, साल निकल जाते, वहाँ साल का टाइम होता है कि साल में आपने कम्प्लीट करना है, साल में भी कम्प्लीट नहीं हो जाता। और यहाँ तक कभी रिसेंटली एक नया फीचर आया यूट्यूब में कि आप 100 वीडियो को 10 मिलियन करके मिलियन व्यूज़ करके आप उससे भी एक अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं, लेकिन वो भी 10 मिलियन व्यूज़ मेरे 100 वीडियोज़ में नहीं आ पाते। तो सुफियान भाई इसका मसले का हल बताइए। तो इसी मसले का हल मैंने निकाला हूँ, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली उन लोगों के लिए जो बिगिनर है और जो एडवांस में है, लेकिन ये है कि वो या कोई नया चैनल रन कर रहे हैं या कोई भी चीज़ ही, तो उनको इस चीज़ के हवाले से मैं कुछ नया मालूम और नॉलेज देना चाहता हूँ। तो बहरहाल चले शुरुआत करते हैं कि मेरा नाम सैयद मोहम्मद सुफियान है और मैं के नॉलेज टेबल वीडियोस रात लेता हूँ कुछ ना कुछ सिखाने के लिए नॉलेज, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भरी पड़ी होती है। तो ऐसी वीडियोज़ को देखते हुए सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ मैं लाते रहूँ और आप लोगों को बताते रहूँ। तो चले टॉपिक के साथ तरफ दोबारा आते हैं और देखते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए। तो सबसे पहले देखें, आपने जो एक चीज़ रखना है कि आपने हार नहीं मानना है, गिवअप नहीं करना है। आपने एक वीडियो डाली, आपका व्यूज़ नहीं आते, तो आप दूसरी वीडियो डालो, दूसरी वीडियो में व्यूज़ नहीं आते तो तीसरी डालो, तो तीसरी में नहीं आते तो चौथी डालो, चौथी में नहीं आते पाँचवीं डालो, पाँचवीं नहीं में नहीं आते छठी डालो, छठी में नहीं आते सातवीं डालो, और सातवीं में भी नहीं आता है तो आठवीं वीडियो डालो, और आठवीं में भी नहीं आते नवीं डालो, और नवीं में भी नहीं आते दसवीं डालो। और आपकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आपकी 10 वीडियो के पास व्यूज़ आपका एक 0 रहता है, तो फिर आप 20 डालो, फिर 50 डालो, 100 डालो, मैं बोलता हूँ आप 1000 वीडियो डाल लो, साला कब तक नहीं आएगा, कभी ना कभी तो व्यूज़ आएगा ना। तो जैसी व्यूज़ की कोई एक आपकी वीडियो वायरल हो जाती है, आपकी एक वीडियो में 10K क्रॉस कर देती है, तो वो 10K ही काफ़ी होता है, वो आपकी वीडियोस की क्या टाइम 4 मिनट ही क्यों ना हो, 4 मिनट को मंथली वाइज आप 10 लाख से कर ले, तो आपका वो टाइम भी कम्प्लीट हो जाते हैं, और 10 लाख तक मैं समझता हूँ कि वहाँ जब जाते जाने में आप 10 लाख या 1 लाख भी आपकी व्यूज़ चले जाते हैं, तो उसमें आपका एक लाख में 1000 लोग तो हो गए जो सब्सक्राइब करेंगे, तो वो आसानी से सब्सक्राइब हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी रखिएगा बिल्कुल, मतलब मुसलसल आपने वीडियोस डालती रहनी है, और ये नहीं कि आपने सिर्फ फोकस करना है ये लॉन्ग वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में, आपने दोनों वीडियो डालनी है और मुसलसल डालनी है, और बस इस चीज़ का ख्याल करिएगा जो कि मैं आपको वॉर्न कर रहा हूँ कि आपने बिल्कुल मतलब आपको चाहते हैं अपना चैनल मोनेटाइज करना है, तो उस सूरत में आपने ये करना है कि आपने कोई भी ऐसा नहीं, आपने फैमिली मेंबर जिसका आपने लेकर उसमें एंटर करना है। देखिए फैमिली मेंबर में ना आप सब्सक्राइब करवा लेते हैं अपने चैनल को, लेकिन नुकसान उसका सबसे ज़्यादा फायदा नुकसान ये होता है कि आपको जो मोनेटाइज करने के वक्त वो फोरी तौर पर पकड़ा जाता है कि फेक व्यू था और ये फेक जगह से ही आया, क्योंकि उसमें IP एड्रेस काफ़ी ज़्यादा मैंसन होते हैं, कौन सी लोकेशन से ये सब्सक्राइबर आया, कैसे मसाले तो मैं आप इंडिया में तो आपका पाकिस्तान से सब्सक्राइबर आया, तो इसका ये मकसद है कि मतलब कि कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, या आप कराची में तो आपका लाहौर से सब्सक्राइबर आया, इस्लामाबाद से आया, आप दिल्ली में तो आपका किसी उस दूसरी शहर से आया, तो इससे क्या होता है फ़ायदा कि अपना यूट्यूब देख लेता है ये सब्सक्राइबर जैनियन है, और वही चीज़ उसी शहर में उसी एरिया में से सब्सक्राइबर आया, तो यूट्यूब कोई तो मैं पकड़ लेता है कि ये सब्सक्राइबर आपका फेक है और आपने खुद करवाया, किसी दोस्त यार को बोल करवाए, तो ये सब्सक्राइबर आपका माना नहीं जाता यूट्यूब की नज़रों में, और भी आपको दोबारा मेहनत करनी होती है, और जब आप मोनेटाइज के लिए आके आप अपने सबमिट करवाते हैं एप्लीकेशन, तो वो कैंसिल करवा दी जाती है, और कैंसिल हो जाती है कि नहीं आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता, आपके सब्सक्राइबर फेक समझो या आपने ज़बरदस्ती करवाया, उस सूरत में आपको बोला जाता है कि आप उसको और थोड़ा ग्रो करो अपने चैनल को, और फिर आपका भी वो जो 1000 का टारगेट होता है वो कहीं गुम सा हो जाता है, फिर आपको 2000 सब्सक्राइबर करने होते हैं, और सो 2000 के बाद फिर जाके आपका चैनल कहीं जाकर मोनेटाइज होता है। तो यही चीज़ मैं बताया था कि हमने फेक सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं लेना, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि यार वो टाइम बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं फैमिली में गए दोस्त को बोल के यार मेरी वीडियो देखते रहो चला के छोड़ देते हैं, दिन भर वो वीडियो चलते रहती है, और इस तरह से उसका जो चैनल का वो है
वो उस टाइम में वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल आप नहीं करनी, आपने चैनल को बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना जिससे यूट्यूब पकड़ लेगा आपके चैनल में जो व्यूज़ आए या आपके पास चैनल में जो। अच्छा, एक और गलती जो हर बंदा करता है वो क्या करता है कि आपने वीडियो खुद ही देखने लग जाता है। आपने जितना देखना है आपने वीडियो डालने से पहले देख लेना है और कोशिश करिए हमने वीडियो जैसे ही आपने अपलोड कर दिया उसके बाद आपका जीरो या जो ना व्यूज़ हो उसको आपने क्लिक नहीं करना अपनी वीडियो को और कभी नहीं करना है। और यहाँ तक कि हमने ईमेल से तो गलती से भी नहीं करना है, इससे नुकसान सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि आपकी वीडियो में व्यूज़ भी आना ख़त्म हो जाते हैं और यूट्यूब के ऑर्गेनाइजेस ऑर्गेनिक व्यूज़ आना ख़त्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी ख्याल करिएगा बिल्कुल, मतलब वीडियोज़ के हवाले से होशियार देकर कि अपने वीडियो को आपने क्लिक नहीं करना है गलती से भी। जितना क्लिक करना है आपने जब आप अपलोड नहीं करो उसको आप सही से देख लो, हाँ मैंने ये चैनल बना लिया, उसके बाद ईमेल अपना थंबनेल आपको लगाना हो थंबनेल लगाओ और टाइटल लिख लो डिस्क्रिप्शन लिख लो और लिख कर उसको अपलोड कर दो, जीरो क्यों ना आए एक साल तक जीरो क्यों ना आए उसमें आपने क्लिक नहीं करना। तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई है कि सब्सक्राइबर फेक आपने नहीं लाना, दूसरा वो टाइम भी आपने फेक नहीं लाना, और तीसरा कि आपने क्लिक जो है अपनी वीडियो में खुद नहीं करना। तो ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ हो जाती है। इसके अलावा अच्छा जल्दी आप अपने चैनल को ग्रो करने का सिंपल तरीका है कि आपने कंसिस्टेंसी से रेगुलर बेसिस में आपने तकरीबन 10 से वैसे एक यूट्यूब पर 50 से 60 70 80 आप वीडियोस डाल सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ आप पर डे तकरीबन 30 वीडियो डालो। अब आप बोलोगे 30 वीडियो तो नहीं डाल सकता मैं, तो लेकिन आप डालोगे तो फ़ायदा नुकसान, और फ़ायदा नुकसान ये है कि फ़ायदा ये है कि आपका 30 दिन एक दिन में आप 30 वीडियो डाल दोगे, एक महीने में आप 900 वीडियो डाल दोगे। तो जब आप 3 महीने आप देखोगे तो 3 महीने बाद आपके तकरीबन कम से कम भी आपके 3000 के करीब आपके वीडियो चल चुकी होगी, डल चुकी होगी। और 3000 वीडियो के बाद आपके चैनल में 3000 में से 100 वीडियो भी वायरल हो जाती है, 100 या 50 वीडियो भी वायरल हो जाती है, और हर वीडियो आपके इंडिया हो या पाकिस्तान उसमें से 1000 भी कमा के देती है आपको महीने में, जो 50000 रुपये आपको महीने का बनने लग जाएगा। और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप इसको फुल टाइम भी आप चाहे तो ले सकते हैं। तो ये चीज़ बेनिफिट है यूट्यूब का। और बिल्कुल आने वाले वक्त पर आप आज से मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट करने का मैंने सोचा था, उस वक्त मेरी उम्र 2015 में मैंने सोचा था यार मैं करूँगा ये करूँगा, उस वक्त नया नया ये चीज़ आई थी और मैंने किया भी था। मैं कुछ ऐसे अकाउंट्स है जो हम बहुत पुराने 2015 या 2014 के अकाउंट हैं, तो मैंने उसको फिर शेयर एक दो वीडियो डाला उसके बाद मैंने छोड़ दिया, यही मैं किया करता था। और मुसलसल डाले में उनको ये चीज़ पता नहीं थी यार यूट्यूब में क्या होता है कितना पैसा क्या है कि नहीं, जब उनको हल्के में पता चला इसमें पोटेंशियल क्या है, मतलब कि इसमें ग्रोथ कितनी है आपकी। इसमें सिर्फ आप ये नहीं कि आपकी वीडियोज़ आप डाल रहे हो तो सिर्फ वीडियो के पैसे आपको मिल रहे, नहीं आपको स्पॉन्सरशिप मिलने लग जाती है। इसके अलावा आप चाहो तो जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं कि आपका एक बंदा भी देखे या नहीं देखे, क्योंकि अभी मेरा चैनल बिल्कुल नया है समझे, अभी 15 दिन हुए मैं कंसिस्टेंसी से वीडियोज़ डालते हुए, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है मुझको नहीं पता। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों साथ रहा तो इसमें व्यूज़ आते हो सारे मान की से हो जाती है और मेरा चैनल ग्रो हो जाता है। तो उस ओवर में जो मेरे व्यूज़ है और मेरा मतलब जो मुझको फिर ना लोग बोलेंगे आप मेरा मेरे पास मसाल के लोग एक ही वीडियो में 50000 भी व्यूज़ चलने लग जाता है, तो लोग उनको स्पॉन्सरशिप देखे कि आप 50000 भी ले लो, 30000 भी ले लो, 1 लाख भी ले लो, 2 लाख भी ले लो, 4 लाख भी ले लो, वो ब्रांड के मुताबिक और मेरे चैनल के ग्रो के मुताबिक मुझको ऑफ़र मिलेगी और मेरे चैनल कोई भी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करो। तो वो स्पॉन्सरशिप का मतलब कि मैं प्रोडक्ट को प्रमोट करो अपने पास ताकि लोग सारे ज़्यादा खरीदें, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उसको कुछ पैसा भी मिल जाएगा। महीने में 2-3 बार स्पॉन्सरशिप मैं कर लेता हूँ तो मेरा वीडियो बनाने का जो वीडियो का पैसा होता है एक अलग आ ही रहा है। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप से भी अच्छा खासा अर्निंग होने लग जाएगी। और इसके अलावा भी एक और दूसरा तरीका भी है कि मैं कोई अपना ब्रांड को मैं फ्यूचर में लॉन्च करना चाहूँ तो वो फ्यूचर में लॉन्च कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं कोई अपने कोई प्रोडक्ट में सेल कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यूट्यूब आप बोले आजकल यूट्यूब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आसानी से हर बंदा एक ईमेल अकाउंट में ही खोल लेता है और लोगों का शेयर करने का काफ़ी आसान तरीका। मैंने ऐसे भी अकाउंट देखे जो कि मतलब 2000 आजकल कल ही मैंने एक अकाउंट देखा, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा लेकिन ये कि SK ये कैसे कोई नाम था उसका, तो उसने 2013 में उसने कंसिस्टेंसी से उसने तकरीबन 40 वीडियोस डाली अपलोड की, उसकी वीडियो की क्वालिटी वगैरह सब अच्छी थी लेकिन उसने डालना बंद कर दिया अपने वीडियोस को और 40 वीडियो के बाद वो गिवअप हो गया। तो गिवअप होने के बाद उसने फिर शायद हो सकता है उसका चैनल वगैरह या बंद हो गया या उसका ईमेल गुम हो गया, कोई भी चीज़ इतने सालों बाद
लेकिन अब जाकर जब उसका चैनल की ग्रोथ आई 2023 में अचानक से उसके उसमें उसके जो टॉपिक थे वो अब जाके थोड़ा काम आ रहे थे, तो उसके चैनल के जो वीडियो थे वो बिल्कुल टॉप में, और उसके हर वीडियो में तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर व्यूज़ ऑलरेडी मौजूद थे। जिसका मतलब ये है कि अब वो कंसिस्टेंसी तो उस वक्त से वो काम करते रहता और डालते रोज़ाना एक ही वीडियो डालते रहता, तो महीने के उसके साल के आप 300 वीडियोज आ जाते और ऐसी वो तकरीबन 2 से 3 हज़ार वीडियोज़ डाल देता और पर 1 मिलियन व्यूज़ का मतलब क्या आपको पता है कि 1 लाख रुपये कहीं नहीं गए। तो वो अभी मैं समझता हूँ कि वो करोड़पति या पति तो बन ही जा चुका होता। सो कंसिस्टेंसी से उसने डाला नहीं और उसने गिव अप कर लिया, तो आपने ये काम नहीं करना, अपने काम को बिल्कुल कंसिस्टेंसी से काम करते रहो और डालते रहो, रेगुलर बेसिक में डालो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालो। क्योंकि देखो दो तरीके होते हैं आपको, या आपके पास बहुत अच्छा कैमरा हो या क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी हो तो ये सही है, तो सही है वरना नहीं है। मतलब हमारे पास उतना पैसे नहीं होते कि हम इतना सारी महंगी महंगी चीज़ें ले और हम महंगी चीज़ें ले कि हम कैमरे की क्वालिटी अच्छी करें, एडिटिंग में पैसा लगाए, तो ये करे तो वो करे, लेकिन हमारे पास एक चीज़ होती है, हमारे पास नॉलेज होती है या कुछ भी आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो वो होती है, तो वो चीज़ हम दिखा सकते हैं। तो इसलिए अब लोग क्वालिटी के पीछे थोड़ा जाते हैं, उसको भी लगता है, लेकिन ये कि नॉलेज जहाँ मिले तो वहाँ भी थोड़ा बहुत लोग आ जाते हैं। जैसे कि मैं चैनल में नॉलेज के मुताबिक लोग आप भी आए हो, तो नॉलेज के हवाले से आए हो ना कि क्वालिटी के हिसाब से, तो क्वालिटी के साथ नॉलेज भी थोड़ी बहुत मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी शुरू शुरू में आपको मैं ये नहीं बोलूँगा क्वालिटी में आप फोकस करो, आप बस नॉलेज में, आप नॉलेज या अपनी क्रिएटिव जो भी आपका क्रिएटिविटी है कोई भी काम आपने सोचा है उसको करने में फोकस करो, रेगुलर बेसिस में थोड़ा तादाद ज़्यादा कर दो और करते करते फ्यूचर में ऐसा होगा कि आप थोड़ा कम भी। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि मुसलसल मैं हर वीडियो में अक्सर मैं वीडियो में ये चीज़ बोलते रहता हूँ कि एक पत्थर होता है, उस पत्थर में मुसलसल पानी की बूंदे होती है ना, बूंदे गिरते रहे और क्या उसके उकाते पानी की बूंदे, तो वक्त के साथ जब 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने तक वो गिरते रहे एक ही जगह में पत्ता में, तो पत्ता में भी सुराख हो जाता है। तो रेगुलर बेसिस में वही काम आप करते रहते हो और लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा और बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी से आपने शुरुआत करनी, क्योंकि मैंने ऐसे वीडियो ऐसे भी यूट्यूब पर देखे जिसमें एक यूट्यूब ऐसा आप जानते हो, आप पाकिस्तान में रहते हो, तो मिस्टर हाउ आई थिंक मैंने इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने इनकी वीडियो देखकर मैंने कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोचा, नहीं, मैंने ये मेरे दिमाग से मैंने छोटा सोचा है, लेकिन इससे मैंने इंस्पिरेशन ये ली कि 2018 में इन्होंने शुरुआत की थी, 2018 भी नहीं 2020 में इन्होंने शुरुआत की थी, 3 साल इन्होंने लगातार वीडियोज़ डालते थे और क्वालिटी नहीं थी उनके शुरू की वीडियोज़ में, फिर मिस्टर हाउ ने वक्त के साथ अपने आपको बेहतर किया और जैसा कि मैंने बोला कि कंसिस्टेंसी भी रखा और हमने आपको बेहतर करते गए। और एक उनके इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला था कि मैंने 10 महीने तक अपने वीडियोस डालते रहा था और काम करता रहा था, 10 महीने बाद उनको जो सैलरी मिली थी वो 5,000 रुपये मिली थी, और मतलब एक तरह का मतलब 10 महीने बंदा एक जगह जॉब भी करता है तो 5,000 सैलरी में कौन जॉब करना चाहेगा, लेकिन उन्होंने 5,000 सैलरी में 10 महीने तक काम किया था। तो लेकिन ये कहूँगा 10 महीना एक साल लगता है, एक साल तकरीबन लगता है, क्योंकि यूट्यूब का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो मतलब कि मैं ये बोलूँ कि यूट्यूब का जो सिस्टम होता है उसका एक सीन ये होता है कि आपकी जो वीडियोस होती है वो तकरीबन आपकी मतलब वीडियोस में सीन ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा वीडियोस आपकी जो प्रमोट हुई होती है बिल्कुल सर्च इंजन में ऊपर की तरफ होती है, वो वीडियोस कम से कम भी तो 1 या 2 होती है, मतलब कि 1 साल पुरानी होती है, 2 साल पुरानी होती है, 3 साल पुरानी होती है, 4 साल पुरानी होती है, 5 साल पुरानी होती है, जब जाके वो वीडियो शो होती है ऊपर की तरफ, और उससे पहले वो वीडियोस कहीं घूमी हो चुकी होती और 10 साल पहले 5 साल पहले 1 साल पहले हम वीडियोस को देखकर वो कहीं गायब होती, उसको कोई जानते नहीं और कोई पहचानता नहीं। तो उसके कहने का मेरे कहने का मकसद ये है कि तकरीबन आपकी हर वीडियो में आप समझ रहे हो कि 1 साल लगेगा आपकी वीडियो को ग्रो होने में। सो ऐसे कि जैसे ये एक तरह का एक आपने बिजनेस डाल दो तो बिजनेस डालने में ग्रो होने में 1 साल लगता है, तो यदि आपकी हर वीडियोज़ में 1 साल लगेगा ग्रो होने में। अभी मैंने रिसेंटली मैंने अभी 15 ही दिन हुए मुझको वीडियोज़ डालते हुए, महीना भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी जब मैंने बिल्कुल न्यू जो वीडियोस थी जो जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी बनाई और उसमें नॉलेज मैंने ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि उस वक्त समझ नहीं आ रहा मैं क्या टॉपिक बनाऊँ क्या नहीं। अभी तो मैंने मुसलसल अभी बोल रहा हूँ और मैंने पीछे चार्ट वगैरह भी रखा हुआ है पीछे ये अपना उसके ऊपर, लेकिन उस वक्त उसमें ज़्यादा मैंने क्वालिटी में काम और यही तो फिर भी अभी मैंने बेहतर किया हमने आपको, सो उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन ये कि उसकी वीडियोज़ में अब जाकर हल्की फुल्की व्यूज़ आ रहे हैं और मैं बोलता हूँ दिन में 1 वीडियोज़ भी आ रहा है, तो मतलब आ रहा है मुसलसल एक काम हो रहा है, मतलब कि 1 साल तक वो वीडियो रहती है तो मतलब वो पर देखा 1 वीडियोज़ भी आता है तो 300 व्यूज़ बन जाएगा।
तो 300 व्यूज़। तो ये मैं कम से कम जा दे रहा हूँ, क्योंकि देखो वक्त के साथ ना यूट्यूब ऑटोमेटिक जब आपके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं तो वो आपके मतलब एक व्यूज़ हुआ तो लोग मतलब जितने ज़्यादा आपके व्यूज़ होते हैं उतने ज़्यादा आपकी जल्दी आपकी ग्रोथ होने लग जाती है। क्योंकि आपके 1,000 कैसे व्यूज़ आपका कम्प्लीट हुआ, 2,000 होने में आपको कैसे, 1,000 होने में आपको 6 महीने लगाओ या 4 महीना लगाओ या 3 महीना लगाओ, लेकिन वो 1,000 डबल होने में, 2,000 बनने में वो मुश्किल से 1 महीने लगता है और वो डबल हो जाते हैं। वजह ये कि लोग हम भी अक्सर जिस वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ होते हैं हम उसी वीडियोज़ को क्लिक करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ ये वीडियो कोई ज़्यादा मतलब अच्छी होगी, क्वालिटी वाइज वीडियो है, तभी लोगों ने उसको देखना पसंद किया, तो हम भी उस वीडियो को देखते और उसी को हम पसंद करते। तो यही चीज़ है कि थोड़ा वक्त लगता है लेकिन कंसिस्टेंसी आप वो काम करते हो तो आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो और अपने चैनल को आसानी से मोनिटाइज करवा सकते हो। और मोनिटाइज करवाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप चाहो तो आप अपना चैनल को 1 महीने में मोनिटाइज करवा सकते हो। आप क्वालिटी में, तो आपके पास पैसा वगैरह है, आप क्वालिटी में भी काम करो और क्वान्टिटी में भी काम करो, कंसिस्टेंसी से काम करो, तो मुसलसल 1 महीना आपने काम करते हो तो आपको चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। और 1 महीने बाद आपके रेगुलर जब बेसिक में आप वीडियो डालते रहोगे 1 साल के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी आप जितनी अभी कोई नौकरी आप कर रहे हो या नौकरी करने का सोच रहे हो कितने नौकरी कि इतना पैसा मैं कमाऊँगा, तो वो आप उतना अनकर रहोगे। तो यूट्यूब में कभी भी ये चीज़ नहीं सोच कर आने का इसमें पैसा है, इसमें अभी चीज़ करना कि अपना पैसा को रख के आना या इसमें पैसा नहीं, और ये चीज़ में पाते कैसे मैं हूँ उसको बचपन से यही चीज़ मेरे अंदर ख्वाहिश थी कि मैं लोगों को सिखाऊँ उसको बताऊँ। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान है और इंडिया में, इंडिया का तो मुझको आइडिया नहीं, लेकिन हम पाकिस्तान में रहते तो हमारा ये है कि इंडिया में भी लेकिन मुझको पता है कैसी होगा, तो 30 दिन में इतनी ग्रोथ नहीं है। मतलब कि मैं सच झूठ क्या बोलूँ, 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार में भी 30 हज़ार काम कर रहे होते हैं महीने के बिहाफ में, और लेडीज़ लोग इतने सस्ते में भी काम कर लेती हैं। आई डोंट नो मतलब कैसे करती है लेकिन कर लेती हैं, तो इसमें ग्रोथ नहीं है। इससे अच्छे तो मैं अलहमदिल्ला मैं अभी एक छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, उसमें मैं 35-40 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेता हूँ। सो ये है, और वही वही काम मैं उस किसी कोचिंग वगैरह में करूँ तो इतनी पैसे नहीं है। और आप बोलते हैं कि मुल्क के हालात और इकोनॉमी के हालात और वक्त के साथ महंगाई हो गई तो बंदा इतने कम पैसों में अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये कोई मतलब किसी की बीवी है जो हस्बैंड कमा रहा है अच्छा, तो उसको इस चीज़ से नहीं है परवाह कि वो काम क्या करे, लेकिन लड़कों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि उनके लिए पैसा भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने इन चीज़ से मैं थोड़ा दूर रहा, हमको पता लग गया ये चीज़ मेरे अंदर है और मैं लोगों को सिखा सकता हूँ, मैं कुछ बता सकता हूँ। और टीचिंग करने का मेरे अंदर शौक था तो मुझे मुझको समझ नहीं आया कि क्या करूँ, तो फिर मुझको एक आज से 15 से 20 दिन पहले मैंने बोला यार इसमें तो ग्रोथ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यूट्यूब में मैं डालता हूँ तो यूट्यूब में शायद ग्रोथ है। तो मैंने किसी के ने एडवाइस वगैरह नहीं दिया, लेकिन मैं तो फसल अभी डाल रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे डालते रहूँगा ऐसी वीडियो। तो वीडियो को अच्छी लगी हो या सब्सक्राइब करना हो या मुझको सपोर्ट करना हो तो आपको पता है क्या करना होता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना मैं कहता हूँ हर वीडियो में कि अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।